क्यों ना पूछा जाए। शिवम, हमने ग्राउंड सुना आपके, अलका जी आ रही हूं बस मैं आपके पास। शिवम, ग्राउंड बनाया ये जा रहा है कि औपनिवेशिक काल का ये प्रतीक है, गुलामी की दास्ता का प्रतीक है इंडिया नाम। क्या शिवम त्यागी मुझे समझा पाएंगे कि इंडिया नाम, मुझे तो याद आता है हेरोडोटस याद आता है, मुझे मेगस्थनीज याद आता है, यानी कि आपका ग्राउंड पूरी तरीके से कोलैप्स्ड है। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज से शुरुआत करना चाहूंगा। पहला आपका सवाल मुझसे ये था कि 18 जुलाई से जो ये हुआ है INDIA की जो बैठक हुई है उसके बाद आपका मतलब ये सारा नैरेटिव शुरू हुआ है क्या? फिर आप रंजन जी के पास गई, आपने बोला कहीं ऐसा तो नहीं है कि 18 तारीख के बाद से ये स्टैंड हुआ है एनडीए का? अलका जी ने भी यही कहा। आप ये मानते हैं कि नाम बदलने से जो है चीजें बदल गई और हम बौखला गए? आप इस बात के साथ इस बात को मानते हैं कि मेरा सवाल है आपसे कि यूपीए ने नाम बदला ही इसलिए था कि वो बौखलाए हुए थे? मेरा सवाल है 10 सेकंड में अगर आप मुझे इस बात का जवाब दे दे तो। आपने अलग अलग लोगों से पूछा, वो तो हमसे पहले अलग करके बैठे हैं नाम बदल के। नाम किस लिए बदला? आपके आधार पर अगर नाम बदलना बौखलाने का प्रतीक है तो जो बराबर में दो प्रवक्ता आपने जिनसे पूछा और जिनमें आपने टोन में कहा एक्सेप्ट करते हुए कि नाम बदलना शायद इसी वजह से नैरेटिव है, तो जाहिर है वो हमसे पहले बदल कर बैठे। आपके पास जवाब नहीं तो मैं अलका जी आपका जवाब देना चाहती हूं। अलका जी जवाब देना चाहती हूं, अलका जी रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं हेरोडोटस पर आऊंगी। आप मुझे अगर आप मुझे जवाब देने का मौका देंगी तो जवाब दे दीजिए। चार सवाल दूंगी आपको जवाब देने, अलग अलग पूछे गए, आप नहीं पूछने। मैंने आपके तो ग्राउंड पर सवाल पूछा शिवम त्यागी, अगर मेरा सवाल था तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से दोहरा देती हूं, मैं फिर से दोहरा देती हूं। नरेश बंसल ने राज्यसभा में कहा गुलामी का प्रतीक है। हरनाथ सिंह यादव कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने दिया है और अंग्रेज क्योंकि गाली समझते थे इंडिया नाम के शब्द को, इसीलिए वो इंडिया देकर चले गए क्योंकि वो स्लेव समझते थे, नौकर समझते थे। तो या तो आपके सांसदों की जानकारी कम है कि इसको ग्राउंड बनाकर वो इंडिया नाम को एक्सपंज करना चाहते हैं। मुझे ग्राउंड बता दीजिए आप। मैं जवाब दे सकता हूं, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि मैं सारे जवाब देते हुए आपके पास भी आऊंगा। अलग अलग प्रवक्ताओं ने जो सवाल पूछे मेरा अधिकार बनता है उनको जवाब देना। प्रभाकर जी ने कहा कि सरकार जिस तरीके से चाहती है उस तरीके से जो है चर्चा को मोल्ड कर लेती है। पहले दिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही थी और आज बात चल रही है कि इंडिया और भारत का। नहीं, बीच के जो 3 दिन आप भूल गए वो सनातन को गाली देने के भी थे। बीच के जो 3 दिन पर आपने जवाब नहीं दिया वो इस देश में इस देश की संस्कृति को गाली देने के भी थे। वो हमने ड्राइव नहीं की थी चर्चा, वो उन्होंने ड्राइव। कमाल है, आ गए नहीं, ये हुई है चर्चा। कमाल है, जवाब दो तो आ गए आप। अब तीसरा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं मैडम, अगर आप मुझे जवाब नहीं देना चाहते सनातन, सनातन किसी के गाली देने से अपवित्र नहीं होता, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं फिलहाल। लेकिन क्योंकि विषयांतर होगा इसीलिए रोक रही हूं, मेरे रोकने का आधार है। और मैं क्योंकि विषय पर रहते हुए ये आपसे पूछ रही हूं, अगर मेरा सवाल गलत है तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा कि आपके सांसद कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक है, अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। लेकिन क्या आप इंडिया, भारत का इतिहास भी हम सब जानते हैं और इंडिया का इतिहास भी हम जानते हैं, कहां से आया इंडिया शब्द, अंग्रेजों ने दिया क्या? गरिमा जी, अगर विषयांतर आपको मेरा लग रहा है तो विषयांतर आपको उनका भी लगना चाहिए था जो बीच में मणिपुर से लेकर तमाम विषय लेकर आए। वो विषयांतर आपको नहीं लगा? अगर मैं अपनी बात रख रहा हूं और चर्चा किस किस बात पर हुई है वो रख रहा हूं तो आप कहते हैं ये विषयांतर है। जिन लोगों ने वो चर्चा उठाई अलका जी ने कहा, शिवम त्यागी सुना नहीं, मैंने कहा कि मणिपुर पर चर्चा हमने सबसे ज्यादा की। अगर आप मेरे को बोलने नहीं देना चाहते तो आप मुझे बोल दीजिए। आप मुझे 10 मिनट सुना दीजिए लेकिन पूरे प्रोग्राम में कम से कम कोई 3 मिनट ऐसी दिखा दीजिए जहां आपने मेरे को अनइंटरप्टेड बोलने दिया हो तो मैं नहीं बोलूंगा। बोलने का अधिकार इज योर्स। और जो पैनलिस्टों ने शिवम त्यागी अनइंटरप्टेड 2 मिनट्स इज योर्स नाउ, बट मुझे आप जवाब इस बात पर दीजिए कि जिस बात को आप ग्राउंड बना रहे हैं इंडिया नाम को एक्सपंज करने के लिए, क्या वो ग्राउंड आपका जेन्युइन ग्राउंड है? बिना जवाब थैंक यू, बिना जवाब दिए नहीं जाऊंगा। फिर से मैं वही कहना चाहता हूं, फिर से अलका जी की बात पर आता हूं। उन्होंने कहा कि आप इसरो बदल देंगे, क्या आप IIM बदल देंगे, क्या आप IIT बदलेंगे? नहीं, कहां इंडिया से नफरत हुई जी? लेकिन आपको भारत से नफरत है, ये बिल्कुल एविडेंट है। ये बार बार आप इसको कहीं ना कहीं डिस्क्रेडिट करते हैं, इस देश की संस्कृति को, इस देश के सनातन को। ये देखिए ना, आप ही की तो विधायक हैं जो बार बार बोल रही है कि भारत माता की जय मत बोलिए।
कांग्रेस जिंदाबाद का नारा लगाइए, नफरत आपको भारत से, हमसे नहीं, हमें नहीं है भारत से नफरत। अब एक और चीज पर आता हूं, जहां तक बात मैं फिर से शुरुआत में जो कही थी मैं उसको कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से मेरे पास एक आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते इस तरह का कोई शासनादेश नहीं है, लेकिन इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इस देश की जो संस्कृति है हजारों हजार साल पुरानी, इस देश का जो गौरव है वो भारत है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते और आप उससे इतनी नफरत करते हैं, मुझे नहीं पता। मैं जहां तक बात आईआईटी आईएम्स की है, हमें कोई नफरत नहीं है उससे, वो भी अपनाई है, ये भी अपनाई है, लेकिन एक जो चिट्ठी है उसको देखकर अगर वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया तो इस चर्चा को जन्म भी आप ही दे रहे हैं। ठीक है, अलका लामा जब इंडिया पर आज दो मिनट हमारी भी 9.5 मिनट सरकार है उस पर हमने नहीं दिया, तो आप एक चिट्ठी पर भारत, लेकिन अपने सांसदों को आपको समझाना पड़ेगा सर कि जो ग्राउंड दे रहे हैं कम से कम जस्टिफाइड ग्राउंड दें, क्योंकि इंडिया अंग्रेज हमें नहीं देकर गए। अलका लांबा जल्दी से अपनी बात कह दीजिए। आपने सही कहा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने यह भ्रांति फैला दी, ये इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ है, और हमारे वरिष्ठ वकील जो बैठे हुए हैं उन्होंने इस बात को, दिनेश त्रिवेदी जी ने साफ कर दिया, ये इंडिया नाम अंग्रेजों का नहीं दिया, भाजपा की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इसमें फेर में मत आइए। अब आपके पैनल में हम कितने लोग बैठे हैं? 6 बैठे हैं, 2 पक्ष और 2 विपक्ष, और उसके बाद 2 ऐसे बैठे हैं जो न्यूट्रल हैं, प्रभाकर जी और वरिष्ठ वकील, उन दोनों का भी सुन लिया लोगों ने कि क्या राय है, सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए। किसने ये कहा? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कुछ दिन पहले कहा कि हमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा, राष्ट्रपति भवन भाजपा से भी आगे निकल कर गया, भाजपा ने बीजेपी फॉर इंडिया अपना ट्विटर हैंडल नहीं बदला है अभी तक, भाजपा का ही दिया हुआ खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया है ना, इसको नहीं बदला है, लेकिन राष्ट्रपति भवन ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर लिया है। आपने सही कहा, जयशाह ने बीसीसीआई का आई बदलकर बी करा है, उसको नहीं किया है। सो मुद्दा यही है कि संघ की जो आरएसएस की मोहन भागवत की सोच है उसको राष्ट्रपति भवन लागू करने में सबसे आगे निकला, ये चिंता का विषय है। बिल्कुल संविधान के साथ एक खिलवाड़ होगा जिसमें भारत और इंडिया, ये कह रहे हमें भारत से नफरत है, अरे हमारा तो नारा ही था जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं की। हमें भारत से आपत्ति है तो बताइए हमने कहां भारत नाम काट के इंडिया लिखना शुरू किया? राजीव जी ठीक है, अलका जी ठीक है, राजीव जी क्या इंडिया और भारत को साथ लेकर चल पाना मुश्किल है क्या? अभी तक तो लेकर चल ही रहे थे। देखिए हमें तो भारत और इंडिया दोनों से बेहद लगाव है, और जब ये संविधान इसकी अनुमति देता है तो फिर भारत के न कोई खिलाफ है न कोई इंडिया के साथ है। सवाल यह है कि आपको ये पसंद नहीं है, अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस आपको कहेंगे कि ईश्वर सुबुद्धि दे, जनता से जुड़े जो सवाल है उस पर काम कीजिए। ये आखिरी दौर में जब आपकी पैदल होने की बारी आ गई है, उस समय में वन नेशन वन इलेक्शन, उसी समय में कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद आ रहा है, इंडिया बनाम भारत याद आने लगा, जनता से जुड़े सवाल जिस समय में आप हल करने लगेंगे तभी चेहरा दिखाने के लायक रहेंगे जनता की अदालत में। दिनेश जी संवैधानिक तौर पर तो कोई संकट है नहीं, ऐसे में पब्लिक डिस्कोर्स बनाया जाना इंडिया वर्सेस भारत को, वो भी उस समय पर जब G20 के सारे विदेशी मेहमान आ रहे, कैसी छवि रखता है देश की ये? हालांकि सत्तारूढ़ दल तो कह रहा है कि एक पॉजिटिव छवि रखता है। क्या आप मुझे पॉलिटिकल डिबेट में घसीटना चाहती हैं? मैं जाना नहीं चाहता उसमें। नहीं आप बिल्कुल मत जाइए, लेकिन मैं बस आपसे ये पूछ रही हूं क्योंकि आप एक बेहद अनुभवी व्यक्ति हैं, इस तरीके का डिस्कोर्स G20 के समय पर शुरू होना हमें कैसे प्रोजेक्ट करता है इन फ्रंट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? मैंने तो इसका जवाब पहले ही दे दिया था ना कि देखिए ये मेरे हिसाब से ये इशू व्यर्थ है, और मुझे इस बात पे कोई शंका नहीं है, ना ही मुझे कोई इस बात पे दिक्कत होती है कि मेरा एलिजेंस, मेरा जो है लगाव भारत से भी है और इंडिया से भी है, दोनों में फर्क मुझे नजर नहीं आता। पर अब जिनको आ रहा है सो आ रहा है, उसमें क्या कर सकता हूं। पर ये कि अब मैं इस बात पे क्या कहूं कि G20 में क्या इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा, G20 वालों के पास है क्या चारा? उनको जो दिया जाएगा वो लेना पड़ेगा। Absolutely. जो नाम दे दिया गया है वो दे दिया गया, उनसे क्या मतलब इस बात से कि हिंदुस्तान में कौन सा नाम आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, उसको ये हमारा इंटरनल अफेयर है, उनसे क्या मतलब? तो लिहाजा हम इस
झंझट में, इसमें दिक्कत में, इस डिबेट में पड़ना इसलिए नहीं चाहते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे। जहां तक रहा संवैधानिक एस्पेक्ट, वो मैंने आपको बता दिया कि इतनी जल्दी मुझे ये संभव लगता नहीं है। दूसरा ये कि मुझे डाउट है कि राज्यसभा में इनके पास 2/3 है या नहीं, सर गवर्नमेंट के पास राज्यसभा मेजोरिटी नहीं है जी। तो और दिक्कत कितनी आएगी वो तो वो लोग कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। तो अब रही बात इसकी कि इसीलिए मैं कह रहा था कि सब देखते हुए कि अभी इतनी जल्दी कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग ज्यादा ही इस बात पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यर्थ का डिबेट है, इसमें मत पड़िए। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, मुद्दे बहुत सारे और भी हो सकते थे लेकिन लीग से सब लोग एकदम इंडिया वर्सेस भारत पर तमाम मुद्दे लेकर, औपनिवेशिक काल और सब लेकर कूद पड़े। देखिए गरिमा जी, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि आज विपक्ष के पास ना तो इस देश के सामने अपनी बात कहने का कोई ऐसा ब्लू प्रिंट है जिसमें बता सके कि ये एकत्रित क्यों हुए हैं, या INDIA इन्होंने बनाया क्यों है, और इसमें देश को ये किस प्रकार से आगे लेकर जाएंगे। तो इस प्रकार के छोटे छोटे मुद्दों पर लगातार चर्चा करके खुद को ये मुख्य मुद्दों से हटा रहे हैं और ये देश के सामने इस प्रकार के मुद्दे रखते हैं जिनका कि सचमुच कोई अर्थ नहीं है। अगर आज हम भारत कहते हैं और अगर भारत को हम सब लोग मिलकर स्वीकार कर लेते हैं तो इसमें तकलीफ क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्रभाकर, तकलीफ क्या है? भारत को सब मिलकर स्वीकार कर लें और इंडिया को एक तरीके से एग्जिट मोड पर रख दें। मेरे हिसाब से देखिए, इंडिया दैट इज भारत, जितने लोगों को देश से प्रेम है उन्हें इंडिया से भी प्रेम है और भारत से भी प्रेम है। दिनेश द्विवेदी सर ने बात कही, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पर तालियां खूब बजती हैं। तो ये ऐसे मसले हैं जिस पर तालियां खूब बजेंगी। कुछ बजाने वाला जो खाया पिया अघाया वर्ग है, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, जो खाया पिया अघाया वर्ग है वो तालियां खूब बजा रहा है। लेकिन गरिमा, एक बार फिर मैं बात कहता हूँ कि जिस देश में बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, जिस देश में महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, जिस देश में तमाम तरह की समस्याएं उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस देश में जब ऐसे मसलों पर चर्चा हो रही है, आप किसी युवा से पूछ लीजिए अगर देश में इंडिया नाम हट करके भारत रह जाए तो उसे क्या मिलने वाला है, वो युवा आपको जवाब देगा। तो मसलन जिस मुद्दे का आम आदमी, आम आवाम पर असर नहीं पड़ता, उस पर कोई सरोकार ना हो, राजनेताओं को यह समझना चाहिए कि